हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे उत्तराखंड में पहुँची का प्रसंग है। ये है पहुँची, ये मैंने हाथ में पहना है। ये देखिए, ये पहुँची ऐसे पहना जाता है इसको चूड़ी की बाहर से। ये देखिए, इसका प्रचलन हमारे उत्तराखंड में ही है केवल, और जगह कहीं नहीं है। और ये पिछोड़ा भी ज़्यादातर पहनते हैं लोग, इसको चांदी के भी बनाते हैं, सोने के भी बनाते हैं, पीतल के भी बनाते हैं। ये देखिए, ये है हमारी पहाड़ी पहचान। ये देखिए पहुँची ऐसे पहना जाता है इसको, जो मैं दूसरे हाथ में पहनती दिखा रही हूँ। ये देखिए हाथ पर पहुँच पैर दिन हमेशा पहुँच पैर कह के रखें रंदिन हमारा हाथ पारा। और अब फैशन आ गया अब लड़कियों को, अब पहनाने से ना फिर अब दोबारा वही फैशन आना चाहिए। पहुँचों का फैशन आनो, सब फैशन आनो था पहनना से लोग, अब बनाना से लोग, अब वो पहुँचों था पहुँची पैर कह के रख दें था। उत्तराखंड देवभूमि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यह एक विशेष प्रकार के आभूषणों के लिए जाना जाता है, जो पहले बहुत ही प्रचलन में थे, जो हमारे दादी नानी पहना करते थे, परंतु अब वो चलन में नहीं हैं। हालांकि उनमें से कुछ गहने वापस चलन में आ गए हैं, या यूँ कहें फैशन में आ गए हैं। उन्हीं आभूषणों में से एक आभूषण है पहुँची। यह गुलबंद की तरह कपड़े की पट्टी पर जड़कर तैयार किया जाता है। गढ़वाली विवाहित महिलाएं इसे पहना करती थीं। मुंदड़ी, मुद्रिका, मुद्रे, गूंठी भी इसे कहा जाता था। यह सोने चांदी या किसी अन्य धातु से तैयार की जाती है। यह लाल और काले रंग के मखमल कपड़े पर बनाया जाता है। यह दाने 3 से 5 पंक्तियों की लड़ियाँ होती हैं। इसमें 11 से 21 दाने होते हैं। पहुँची विशेष तौर पर दुल्हन के सिंगार के आभूषणों में खास तौर पर रखा जाता था। कुमाऊँ में भी इसका चलन है। पहले से ही चांदी की पहुँची का प्रचलन उत्तराखंड में था। चांदी से निर्मित दाने ठोस होते हैं, और यदि यह सोने का बनाया जाए तो सोने से निर्मित दानों में लाख भरा होता है। ये 20 से 30 तोले तक के सोने का बना होता है। पहुँची हमारे उत्तराखंड की एक विशेष आभूषण था, जो हमेशा शुभ अवसरों पर पहना जाता था, और बीच के कुछ वर्षों में यह विलुप्त हो गए थे, परंतु यह फिर से चलन में आ गए हैं। पहुँची को कुमाऊँ में, गढ़वाल में बहुत पसंद किया जा रहा है। पहुँची आजकल की लड़कियों के लिए एक आकर्षण बन गया है, और नई दुल्हनों के अन्य आभूषणों के अलावा पहुँची भी उनके सौंदर्य को निखार रहा है। तो आज हमने उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी एक विशेष आभूषण के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।